बढ़ती हुई महंगाई व खेती कानून बिल को लेकर आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सुभाष कतर सरवन सिंह पंडेर द्वारा लोपो के चुगावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। उनके द्वारा कहा गया कि किसानों के लिए पहले ये बिल पास किए गए और अब बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी की और किसानों की कमर तोड़ रही है, जिसको लेकर आज उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। सरवन सिंह पंडेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलता जी। आप चुगावा जोन की बहुत वड्डी मीटिंग की थी, लोपो के चुगावा जाम करके मोदी सरकार की अर्थी साड़ी जा रही है। ये पेट्रोल डीजल दी बढ़िया हुई कीमत खेती कानून वापस लैन का मोर्चा चल रहा है पहलों तो हर एहतियात मंगा लैके और यू गह 26 जून न जड़ा 7 महीने पूरे हो रही तैयारी भी अज नाल दी नाल कर रहे हैं। तो 5 जुलाई दिल्ली मोर्चे नूं कूच करांगे आपां, उहदी भी तैयारी नाल दी नाल कर रहे हैं। दूसरे बन्ने जिहड़ी पंजाब सरकार आ जिहड़े चोण वादे करके आई सी उह पूरे नहीं होए, नशियां दा दरिया फिर उस तरह वग रहा, बेरोजगारी इन्नी आ जिवें नौजवान टीचर मास्टरां नूं कुट्टिया जा रहा, रुजगार कोई दित्ता नहीं जा रहा और इहदों गांह कर्जा माफ़ी का लारा उहनां दा वफा नहीं होया। कैप्टन साहब नूं भी याद करवाउणा चाहांगे वी उह अपने वादे वफा करन, लोकां नाल इंसाफ करन। और यह मोर्चा उदों तक जारी रहेगा मोदी सरकार खाब वेखने छड़ दे भी हुण अंदोलन में फुट पा दूगी, सानू बदनाम कर दूगी, सानू थका दूगी। उदों तक लड़ांगे जदों तक खेती कानून वापस नहीं ले जाते। धन्यवाद।